हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुप्फिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी लड्डू। और इस लड्डू को बनाने के लिए ना तो आपको गैस जलाना पड़ेगा, ना ही पसीना बहाना पड़ेगा, और ना ही आपको गैस के सामने घंटों खड़ा होना पड़ेगा। तो ये बहुत ही झटपट तरीके से बनने वाले ये लड्डू हैं। आपका जब भी मीठा खाने का मन करे तो इस लड्डू को ट्राई जरूर से कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आपको ये लड्डू मैं थोड़ा तोड़ के दिखा देती हूँ। एकदम मलाई की तरह ये टूटने वाले लड्डू हैं। जब आप इसे खाएंगे तो एकदम मक्खन की तरह मुंह में घुल जाएंगे। तो बस देख लेते हैं इस लड्डू को बनाने का सबसे आसान तरीका। और इस लड्डू को बना के आप 15 से 20 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। बहुत ही हेल्दी लड्डू है। तो इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने कुछ सामान लिया है, आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये 2 बिस्किट के पैकेट लिए हैं, ये 10-10 वाले हैं। आपके घर में जो भी बिस्किट यूज होते हों, जो भी आपके बच्चे पसंद करते हों, वही बिस्किट ले लीजिए। इसके लिए कोई ज्यादा बाउंडेशन नहीं है। साथ ही मैंने चॉप किया हुआ ये ड्राई फ्रूट्स लिए है, दूध लिया है, ये फुल क्रीम दूध है, उबला हुआ ताजा मैंने उबाला है, इसे ताजा दूध है। और साथ ही मैंने तली हुई मूंगफलियां ली है, इसके छिलके निकालकर मैंने इसे घी में तल लिया है। और नारियल का बुरादा मैंने लिया है इसमें। और ये लिया है मैंने इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर। तो इस लड्डू को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ले लिया है मैंने ये मिक्सी का जार। तो सबसे पहले हमें जो मूंगफलियां ली है मैंने तली हुई, घी में तली हुई, थोड़ी सी ये चिपचिपी हो रही है घी से, तो इसमें डाल लेती हूँ मैं ये नारियल का बुरादा, ताकि जो मूंगफली को पिसने में आसानी रहे और मिक्सी का जार एकदम से साफ हो जाए। जो घी है उसे नारियल का बुरादा सोख लेगा और एकदम खिला खिला पाउडर बनेगा। तो मैंने इस दोनों को एक साथ डाल के पीस लिया है, आप देख सकते हो। इसका मैंने इस तरह से दरदरा पाउडर बना लिया है। बिल्कुल एकदम फाइन नहीं करना है और ज्यादा दरदरा भी नहीं रखना है। तो इसे एक कटोरी में पलट लेते हैं जिसमें हमको लड्डू बनाने हैं। तो बस इसका पाउडर रेडी होगा, साथ में ही अब बनाना है ये बिस्किट का भी पाउडर बना लेते हैं। बिस्किट का जो पाउडर है बिल्कुल एकदम आटे की तरह काम करेगा और बिल्कुल टेस्ट देगा एकदम चॉकलेट की तरह, क्योंकि जो बिस्किट मैंने लिए हैं वो एकदम काजू वाले बिस्किट लिए हैं। बहुत ही बच्चे इस बिस्किट को पसंद भी करते हैं और इससे लड्डू का टेस्ट एकदम बढ़ जाएगा काजू के बिस्किट से। और जो इसका पाउडर है वो एकदम आटे की तरह बाइंडिंग देगा लड्डू के अंदर। तो इसको पीस लेते हैं। तो मैंने इसको पीस लिया है और इसे भी हम इसी बाउल के अंदर डाल लेते हैं। तो बस इसे भी मैंने इसको डाल लिया है और इसका बहुत ही बढ़िया पाउडर बना है। तो इसको भी पलट लेते हैं। तो मैंने इसको भी डाल लिया है। अब इसको डालने के बाद में डालेंगे इसमें बूरा, ये शुगर पाउडर लिया है मैंने, क्योंकि जो बिस्किट होते हैं मीठे होते हैं। और साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जो भी आपके पास हो डाल लीजिए, नहीं है तो कोई भी बात नहीं चलेगा। और इलायची का पाउडर भी डाल लिया है। और इस सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं स्पून से। तो आप चाहे तो इसे हाथों से भी कर लीजिए, क्योंकि लड्डू तो हाथों से ही बनाने पड़ेंगे। तो बस क्या करना है, इसे मैं हाथों से ही मिक्स करूंगी। तो स्पून को साफ कर लेती हूँ। तो हाथों से इसे मिक्स करना है। तो मैंने ये उबला हुआ ताजा दूध लिया है, आपको फ्रिज में रखा हुआ दूध नहीं लेना है, वरना जो लड्डू है स्मेल करने लगेंगे। तो ये उबला हुआ ताजा दूध है। तो मैंने फुल क्रीम लिया है ये। तो बस चम्मच से डाल डाल के इसको इस तरह से हमें मिक्स करना है कि बस जो लड्डू बनाने की जो फॉर्म होती है, जो बाइंडिंग होती है, बस इतना ही आना चाहिए, ज्यादा इसको गीला नहीं करना है। तो बस इतना सही हमें करना है। तो आप देख सकते हैं कि लड्डू बनने लगे हैं और बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं। आप इस लड्डू को जरूर से ट्राई कीजिएगा, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। और इसे नारियल के बुरादे में हम कोट कर लेते हैं। लड्डू बनके रेडी हैं खाने के लिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको जो भी इस रेसिपी में पसंद आया हो तो जरूर से कमेंट भी कीजिएगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।